आगे बढ़ते हैं और ये बता दें आपको गाजियाबाद से बड़ी खबर ये मिल रही है कि जहां सत्येंद्र भाटी नाम के वकील के घर बाहर और अंदर धमकी भरे पत्र मिले हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर धमकी दी गई है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की तो पुलिस जांच हो गई है और वकील को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। दरअसल पीड़ित ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था और कन्हैयालाल की हत्या का विरोध किया, जिसके बाद अब धमकी की खबर भी सामने आ रही है। तो नुपुर शर्मा के समर्थन पर वकील को धमकी मिली है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, केस दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी सर्विलांस की मदद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वकील सत्येंद्र भाटी ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया। केस दर्ज कर पुलिस ने वकील को सुरक्षा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नुपुर शर्मा के समर्थन पर वकील को धमकी मिली थी। पीयूष इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? कहा जा रहा है वकील को अब जिस तरीके से धमकी दी गई थी उसके बाद सिक्योरिटी भी उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल वकील के घर के बाहर कुछ कागज चस्ता कर दिए गए थे जिनमें साफ तौर पर लिखा हुआ था, सर तन से जुदा और तुमने कन्हैया लाल और नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हो तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो कड़े शब्दों में, गाली गलौज के भाषा में ये धमकी भरा कागज इनके घर के बाहर चस्पा किया गया था और कई जगह लगाया था। एक काले रंग के स्प्रे पेंट से यहाँ क्रॉस भी मार्क किए गए थे। तो कहीं ना कहीं जिसने भी ये मार्क किए हैं और कागज चस्पा किए हैं, कहीं उसकी मंशा ठीक नहीं थी। तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक्शन लिया है और उसको सुरक्षा मुहैया करवा दी है। बहरहाल वकील की कहें तो वकील इस समय डरा हुआ है। जो अधिवक्ता सामने आने, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं आई। उन्होंने कहा अभी क्या कहते हैं, कुछ मामला, मैं थोड़ा सा अपने अंदर डरा हुआ हूँ, डर महसूस कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा मीडिया के सामने आकर कुछ कह नहीं पाऊंगा। अभी पुलिस भी मेरे को सुरक्षा कर रही है और सारी जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।